क्या आप लोग ने एमसीयू में ये नोटिस किया है कि एमसीयू में जो ट्रिलॉजी होती है सुपर हीरो की, तो उसमें जो तीसरी फिल्म होती है उसमें जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो मेन सुपर हीरो होता है वो अपने किसी ना किसी चीज़ को खो देता है। यानी अगर बात करते हैं आयरन मैन की, तो आयरन मैन ने अपनी ट्रिलॉजी की तीसरी फिल्म आयरन मैन 3 में अपने आर्किटेक्टर को सॉर्ट ऑफ खो दिया था। हालांकि बाद में फिर से बना लिया था, लेकिन वहाँ पर उसने अपने आर्किटेक्टर को फेंक दिया था। और अगर बात करें इसके बाद कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका ने अपनी थर्ड फिल्म यानी कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपनी शील्ड को खो दिया था, वो भी आयरन मैन ने उससे वापस मांग ली थी ये कह के कि यू डोंट डिजर्व इट। तो इस हिसाब से उसने भी वो खो दी थी। और अगर बात करें थॉर की, तो थॉर ने अपनी तीसरी फिल्म में अपने म्योनियर यानी कि अपने हैमर को खो दिया था। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन नो वे होम में आखिरी जो कास्ट स्पेल किया था डॉक्टर स्ट्रेंज ने, उसके बाद सबको ही खो दिया था। यानी कि सब लोग भूल गए थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यानी कि सब लोग इतना भूल गए थे कि पीटर पार्कर इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। तो क्या आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की थी? की तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट।